बादशाह खान मरकज पेशावर में जो पहला पश्तून कौमी जरगा मनकद हुआ था, उस जरगे की तसलसल में आज मुरखा 7 अगस्त 2021 चारसद्दा में पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम जरगे का इनेकाद हुआ। इस जरगे में जो 21 नुकाती इलामियाँ तमाम सियासी जमातों, तहरीक और तंजीमों ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया था, इन सब की असर नौ तायीद की गई। आज के जरगे में इन नई नुकात पर इतफाक़ किया गया। नंबर एक, दुनिया के मुस्लिम असूलों के तहत मुंतखब हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ करना फराहम करना तमाम ममालिक की सियासी और अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। ये जरगा ताकत के बिलबोते पर किसी भी गैर जमहूरी तरीके से अफगानिस्तान में हुकूमत पर कब्ज़ा या हुकूमत की तब्दीली की भरपूर मुखालफत करती है और मुतालबा करती है कि फरीकैन पूरी जंगबंदी करके अफगानियों का मजीद खून बहाने के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाले। नंबर दो, जरगा इस बात पर मुतफिक है कि आज के बाद किसी भी पश्तून पर हमला हुआ तो ये पश्तून कौम पर हमला तसव्वुर होगा। नंबर तीन, अफगानिस्तान में अमन और जमहूरियत की सियासी व अखलाकी हमायत और हर किस्म की तशद्दुद की मुखालफत और अफगानिस्तान में दूसरों के अलावा पड़ोसी ममालिक की मुदाखलत की मुश्तरक मजम्मत करना, अफगानिस्तान में मौजूद सियासी जमातों, साजमानों और तंजीमों के साथ राबतों का तरीक़ाकार बनाना और जंग के मुखालफत के लिए दो तरफा कोशिशों को मुनज़्ज़म करना। नंबर पाँच, पाकिस्तान में सियासी जमातों को अफगानिस्तान के अमन के हवाले से एक पेज पे लाने और मुश्तरक लाइअमल का हिस्सा बनाने के लिए एक कमेटी जरगा बनाना और गैर सियासी व गैर पार्लिमानी इदारों की असर रसूख और किरदार को ख़त्म करना करने की कोशिश करना। नंबर पाँच, पख्तूनख्वा समेत मुल्क की दीगर इलाकों में नई एलानिया ट्रेनिंग कैंपों की मुखालिफत करना, गैर एलानिया ट्रेनिंग कैंपों की मुखालिफत क़ियाम की मुखालिफत करना। नंबर सात, ज़िली सतह पर तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से मुश्तरक अमन रैलियों का इनेकाद करना। नंबर आठ, ये जरगा अफगानिस्तान में रवान जंग को नाजायज़ और फसाद समझती है। नंबर नौ, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जिम्मेदारी अमरीका और इसके इत्तेहादियों पर आयद होती है, जिसने दोहा मुज़ाकरात के दौरान अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करके अफगानिस्तान को बियार मददगार छोड़ दिया। जरगा ने इस किरदार की शदीद मजम्मत की है। यह करारदाद जो मुतफ़िका तौर पर पास हुई है बेजा में रखने के खिलाफ एक मुश्तरक करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें जनरल बाजवा का अली वजीर के हवाले से गैर आइनी बयान को बुनियाद बनाकर अदालती निज़ाम पर तशवीश और अदम एतमाद का इजहार किया गया।